हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, डायरेक्ट टैक्सेशन का समय एम कॉम वाले टी वाई बैप एस वाई सबको आता है। तो एक ही चीज़ घुमा घुमा फिरा के आता है, राइट। तो सी ए वाले भी ये सब सॉल्व करते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपको मालूम होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट कैसे रहता है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नेट प्रॉफिट। किसके हिसाब से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इधर आएगा एक्सपेंस डिसअलाउ। क्या लिखेंगे? एक्सपेंस डिस अलाउ, मतलब जो पर्सनल एक्सपेंस होता है जो बिजनेस का नहीं होता है वो लिखने का, जो बिजनेस का नहीं वो लेता है। सेम इधर इनकम डिस अलाउ। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एज पर जो एडजस्टमेंट में दिया। तो ये सबको खेलेंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस मिलेगा। फिर अदर सोर्स आएगा, फिर डिडक्शन आएगा। तो अभी हमें क्या सीखना है बच्चों लोग, मालूम है क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब यहाँ से लेके पहले यहाँ तक जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा जब क्वेश्चन है कुलकर्णी करके दिया है, राइट। तो क्या पता है कुलकर्णी वाला, कैसे मालूम पड़ेगा बिजनेस का समय? प्रॉफिट एंड लॉस दिया, इधर नेट प्रॉफिट दिया। क्या दिया? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया? 436। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में नेट प्रॉफिट एज पर विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया है? 436,000। इतना भी लिख दिया ना फॉर्मेट बना के, एक मार्क इसका, बाकी सबका एक मार्क, दो मार्क तो ऐसे ही मिल गया। अब प्रोजेक्ट का इधर क्या आएगा? एक्सपेंस डिस अलाउ, मतलब जो बिजनेस का नहीं है ना वो आएगा, जो बिजनेस का नहीं है वो आएगा। तो पहले एक काम करो, टेबल से रीड कर लेते हैं, एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करते हैं ना। सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ मतलब एम्प्लॉइज को दिया, तो ये बिजनेस का ही हो गया ना, तो इसको एक्सपेंस डिसअलाउ में नहीं लिखेंगे। फिर बोला है सैलरी टू कुलकर्णी, तो कुलकर्णी को ना मालिक है, वो खुद बिजनेस से ले रहा है, तो मतलब ये हो गया पर्सनल एक्सपेंस। क्या होगा ये? पर्सनल। तो क्या लिखेंगे? सैलरी टू कुलकर्णी, है ना। सैलरी कौन ले रहा है? कुलकर्णी। कुलकर्णी कौन है? प्रोपराइटर। कौन है वो? प्रोपराइटर मतलब मालिक, है ना। मालिक जब भी आएगा प्रोपराइटर, प्रोपराइटर वर्ड है तो डाल देने का है। किसमें? डिसअलाउ। तो 60,000 एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है? जनरल एक्सपेंस तो बिजनेस का होता है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। फिर बोला है कन्वीनियंस मतलब ट्रैवलिंग होता है, वो भी बिजनेस का ही हो गया। अगर ऐसा बोला रहता कन्वेंस के अंदर बच्चे का स्कूल बस का भाड़ा है तो फिर आता ना, पर ऐसा कुछ बोला नहीं है। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, ये भी बिजनेस का, ये भी नहीं आएगा। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम किसका बोला है? फायर का बोला है। किसका बोला है? तो ये बिजनेस का होता है तो नहीं आएगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस बोला रहता तो एक्सपेंस डिसअलाउ में आता है, एक्सपेंस डिसअलाउ। अभी ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, एक होता है बैड डेट्स। बैड डेट मतलब जब बिजनेस का पैसा है वो नहीं आया है, माल बेचे पर पैसा आया, ये डाउट खुद मेंटेन कर रहे, तो ये बिजनेस का नहीं है, खुद से मेंटेन कर। तो आरडीडी इधर शो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ओल्ड आरडीडी। क्या बोलेंगे? ओल्ड आरडीडी। ये एक्सपेंस डिसअलाउ में आता है, बैड डेट्स नहीं आएगा पर आरडीडी आएगा, राइट। कितना हजार? 20,000। ये एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा, बैड डेट्स नहीं आएगा, आरडीडी आएगा, रिजर्व। इनकम टैक्स थोड़ी बिजनेस के अंदर का खर्चा होता है, बिजनेस के बाहर का होता है ना यार, ये अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, है ना, जीएसटी, ये सब क्या है? बिजनेस के बाहर का खर्चा है, जिसके लिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, एक्सपेंस अलाउ में नहीं लिखेंगे, एक्सपेंस डिसअलाउ में ही आता है इनकम टैक्स, क्योंकि ये बिजनेस का नहीं होता, बाद में देना पड़ता है साल होने के बाद। तो ये 15,000 इधर आ जाएगा इनकम टैक्स भी। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किया, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया? तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए थोड़ी किया है ना भाई, खुद के लिए किया है ना इन्वेस्टमेंट। तो ये भी जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा ये डिडक्शन में भी आएगा और एक्सपेंस डिसअलाउ में भी आएगा। तो कितना दिया प्रोविडेंट फंड? 50,000, क्योंकि ये बिजनेस का नहीं है। सिंपल, जो बिजनेस का नहीं है वही लिखने का है। उसके बाद बोला डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, उसको हमेशा यही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी इधर आ जाएगा 70,000, राइट। डेप्रिसिएशन भी कितना दिया ना? 70,000 दिया, वो भी यही आ जाएगा, ठीक है। बट जो एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन रहेगा ना, कहाँ का एडजस्टमेंट, वो किधर आएगा? डी में आएगा, आपको लेस करना पड़ेगा। इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल एक्ट, वो लेस करेंगे। क्या करेंगे? वो लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ये लेस कर देंगे। तो कितना दिया डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट वाला? अलाउबल अंडर इनकम टैक्स रूल 60,000, तो ये लेस कर देंगे। तो लेस मतलब इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। किसको डाल देंगे? ब्रैकेट में। तो हमने रीड करके जो एक्सपेंस डिसअलाउ होता वो तो लिख दिया, राइट। अब शायद से एडजस्टमेंट भी रहेगा, उधर भी रीड करना पड़ेगा। पहला वाला था डेप्रिसिएशन आईटी एक्ट में डाल दिया, राइट। उसके बाद क्या बोला है? जनरल एक्सपेंस के अंदर 10,000 गिफ्ट है। किसको दिया है गिफ्ट? स्टाफ को। स्टाफ मतलब बिजनेस का ही हो गया ना, तो ये नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस का है। और 20,000 क्या भरा उसने? LIC पेंशन प्लान प्रीमियम। तो ये 20,000 जो जनरल एक्सपेंस के अंदर है ये बिजनेस का नहीं है, खुद का हो गया। तो फिर इधर लिखेंगे LIC प्रीमियम। LIC क्या लिखेंगे? प्रीमियम। कितना हज़ार था? 20,000, क्योंकि ये बिजनेस का नहीं था। सिंपल,
LIC मतलब खुद का होता है ना यार, तो जो खुद का वो इधर आएगा, जो बिजनेस का नहीं है वो नहीं आएगा, है ना। एडजस्टमेंट मतलब लेना है, हाँ राइट, टेबल में से भी लेना है और एडजस्टमेंट में मतलब किधर भी घुमा फिरा के मिलेगा, तो जो बिजनेस का होता वो नहीं लेना, उसके अलावा जो होगा वो रिकॉर्ड किया। तो हमने लिखा एक्सपेंस डिसअलाउ, क्या लिखा, फिर एक होता है इनकम डिसअलाउ, क्या होता है, एक तो आपको क्रेडिट में मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का इनकम है ना, तो बाकी जो मिलेगा वो जो इनकम है पर वो बिजनेस का नहीं है, तो उसको इनकम डिसअलाउ में डालेंगे। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिंग आया, मतलब घोड़े के रेस से जीता, डिविडेंड आया, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड आया, और ओल्ड बैड डेट रिकवर्ड, जो पुराना बैड डेट था चूना लगने वाला था वो भी पैसा आया, तो चारों इनकम हुआ, पर कौन सा इनकम हुआ, अदर सोर्स, ये किधर आएगा, इनकम डिसअलाउ किधर आ जाएगा, तो इनकम डिसअलाउ में क्या करने का, कॉपी पेस्ट, पूरे नाम और अमाउंट कॉपी पेस्ट कर देने का, किसको छोड़ के, ग्रॉस प्रॉफिट को, क्योंकि बिजनेस का होता है, अगर डिस्काउंट रिसीव कमीशन रिसीव होता है वो नहीं लिखते क्योंकि बिजनेस का है, पर ये बिजनेस का नहीं है ना, तो कॉपी और पेस्ट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम के साथ अमाउंट भी लिख लेता हूँ। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिंग कितना आया, 1,00,000 आया, फिर 20,000 किसका आया, कोऑपरेटिव बैंक का आया, और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड आया 40,000 आया, और ओल्ड बैड डेट रिकवर कितना आया, 38,000 आया, ठीक है। तभी क्या करेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 2,35,000 हो जाएगा, कौन सा किसका टोटल है, 2,35,000 एक्सपेंस डिसअलाउ, इसको और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, तो ऐड कर देंगे, तो अपने को मिलेगा 6,71,000, कितना मिलेगा, 6,71,000, तो एक अमाउंट हो गया। अब ये ऐड करके बाहर डालेंगे और इसको माइनस में डालेंगे, 1,20,40,38,000, ये हो गया 1,90,000, कितना हो गया टोटल, किसका टोटल है, इसका टोटल है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ब्रैकेट में। तभी हम लोग क्या करेंगे, 6,71,000 में से 1,98,000 भी माइनस करेंगे, 60,000 डेप्रिशन एक्ट वो भी माइनस करेंगे, तो ये टोटल से ये दोनों क्या किया, माइनस किया, तो अपने को 4,13,000 मिलेगा। तो ये अमाउंट को एक नाम देंगे, इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो सबसे पहले क्या, नेट प्रॉफिट आया, क्या आया, नेट प्रॉफिट, फिर आया एक्सपेंस डिसअलाउ, जो बिजनेस का नहीं ऐड किया, इनकम डिसअलाउ टोटल बाहर डाला, और डेप्रिशन इस पर ITA जो एडजस्टमेंट में दिया था, ये टोटल से दोनों क्या किया, माइनस, तो अपने को क्या मिला, इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या मिला, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इधर तक अपना सम सॉल्व हो गया, राइट। फिर उसके बाद क्या करने का, एक हेडिंग डालेंगे बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मतलब इसमें बिजनेस भी रहेगा, अदर भी रहेगा, डिडक्शन भी रहेगा। तो अदर सोर्स में क्या करने का है, जो अदर सोर्स है ना वो नाम लिखेंगे, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्स है, डिविडेंड फी अदर सोर्स है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड भी अदर सोर्स है। जो ओल्ड बैड डेट रिकवर्ड वो अदर सोर्स का नहीं होता है क्योंकि वो बिजनेस का ही रहता है, इसलिए उसको बिजनेस के अलग में दिखाएंगे, पर अदर सोर्स में डिडक्शन में कुछ नहीं आता हुआ, तो याद रखने का है, ओल्ड बैड डेट रिकवर्ड इनकम डिसअलाउ में आएगा बट अदर सोर्स में नहीं आएगा, ये अकेला, ठीक है, इनकम डिसअलाउ में लिखने का पर वो अदर सोर्स में नहीं आएगा। अब ये नाम तो लिख दिया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, पर अभी आपको क्या नॉलेज लेके पढ़ना है कि किस पे टैक्सेबल है और किस पे माफ है। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिंग टैक्सेबल होता है, क्या होता है, तो फिर ये अमाउंट 1,00,000 टैक्सेबल, इसके लिए अमाउंट शो करेंगे। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी वो भी टैक्सेबल है, तो वाला भी अमाउंट शो करेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है, तो प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट माफ है, मतलब इंटरेस्ट सबका टैक्सेबल रहेगा, डिपॉजिट का भी टैक्सेबल है, डिबेंचर का भी टैक्सेबल है, FD का भी टैक्सेबल है, सेविंग का भी टैक्सेबल है, बट इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट है, क्या है, इस पर टैक्स लगेगा नहीं। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो ये पैसा कहाँ से आया, बिजनेस से आया, और ये पैसा कहाँ से आया, अदर सोर्स। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को टोटल इनकम मिलेगा, क्या मिलेगा, 4,13,000 और 1,20,000, तो 5,33,000 तुम्हारा टोटल इनकम हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। फिर सी के बाद आएगा डी, डी में डिडक्शन डालेंगे, क्या डालेंगे, तो आप लोगों को डिडक्शन दिखना पड़ेगा कहाँ है, तो एक तो डिडक्शन इधर है, LIC प्रीमियम दिख रहा है 20,000, जो भी LIC प्रीमियम होता है डिडक्शन में आता है, किस में आता है, 80CCC में आएगा। LIC पेंशन प्लान आया तो 80CCC में कितना डाला दिए, डिडक्शन, तो अंडर सेक्शन 80CCC कितना था डिडक्शन, 20,000, कितना था, 20। LIC प्रीमियम में उसने पे किया था ना, ये डिडक्शन आता, अपने को याद करना पड़ेगा। और एक डिडक्शन टेबल में दिया है, किधर दिया है, देखो ना, इधर बोला ना कंट्रीब्यूशन, किधर कंट्रीब्यूशन किया, PPF में, किधर कंट्रीब्यूशन किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कितना किया, 50,000, तो ये भी एक डिडक्शन में आएगा ना। तो ऐसा घुमा फिरा के किधर भी दिया रहेगा, तो अपने को डिडक्शन का लिस्ट याद ही करना पड़ेगा क्योंकि वो शॉर्ट नोट में भी बन के आता है। तो टोटल 70,000 डिडक्शन आया, कितना आया, 70,000। तो क्या करेंगे, 5,33,000 में से ये 70,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब ये सी में से ये डी क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
तो 5,33,000 ग्रॉस टोटल था, उसमें से 70,000 क्या किया मैंने, लेस किया। तो लेस करके अपने को क्या मिलेगा, नेट टैक्सेबल इनकम। क्या मिलेगा, नेट टैक्सेबल इनकम 4,63,000। तो जो भी अमाउंट पे टैक्स देना रहेगा वो अमाउंट ये है। तो इस तरह तुम्हारा बिजनेस का सम क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो एंड थैंक यू वेरी मच।